हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक पर स्टोरी ऐड करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे भी वो स्टोरी ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। ठीक है, इसके बारे में आपको ये बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा जो फेसबुक पर स्टोरी ऐड करते हैं और वो इंस्टाग्राम पे ऐड हो जाए ऑटोमेटिक, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड करने पर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए आपको वीडियो स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना फेसबुक ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप ओपन करें कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी ऐड किया हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टोरी है और एक स्टोरी ऐड है। ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं योर स्टोरी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है ये बताते हैं। तो आपको सीधे बैक आ जाना है, फिर आप अपना फेसबुक ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप कोई भी स्टोरी ऐड करते हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना स्टोरी ऐड करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है शेयर। ठीक है, यहाँ पे शेयर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेसी दिखाई दे रहा है, आपको प्राइवेसी पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप ओनली अगर फ्रेंड के लिए रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर पब्लिक के लिए तो इस पर ही रहने देना है, तो मैं पब्लिक ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑलवेज शेयर टू इंस्टाग्राम। ठीक है, ऑटोमेटिकली शेयर योर फेसबुक स्टोरी इंस्टाग्राम। तो दोस्तों इसी को आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, अब आपको ऑन करना है तो इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इंस्टाग्राम का आईडी रहेगा दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों यह मेरा इंस्टाग्राम का नेम यही है। ठीक है, तो डीएम मोबाइल ट्रिक्स। ठीक है, तो आपको बैक आ जाना है, तो देख सकते हैं अपडेटिंग हो रहा है। ठीक है, अगर आप कोई म्यूजिक लेना चाहते हैं तो यहाँ से म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से कोई म्यूजिक ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से एक म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से म्यूजिक ले लिया हूँ और यहाँ पे दोस्तों आपको शेयर पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा वीडियो मेरा स्टेटस ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यही मेरा स्टेटस है। तो चलिए मैं इंस्टाग्राम आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है, मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं आप इंस्टाग्राम ओपन करें कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपना स्टोरी देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप क्लिक करके स्टोरी देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो है मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी ऐड हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से फेसबुक से कोई भी स्टोरी ऐड करते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।